अच्छी फिल्म थी सर, मुझे तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगी, काफ़ी मज़ा आया मुझे फिल्म के अंदर, फुल बढ़िया एंटरटेनमेंट किया फिल्म ने। ऐसा कोई बहुत ऐसी ग्रेटेस्ट फिल्म नहीं बोलूँगा मैं, कोई ऐसी बहुत ग्रेटेस्ट फिल्म नहीं है, लेकिन ओवरऑल आप एंटरटेन हो गए फिल्म में, मज़ा आएगा आपको, इन्जॉय करोगे आप फिल्म को। मतलब कहानी फिल्म की काफ़ी मज़ेदार सी है, आमतौर पर इस तरह की फिल्म हमारे यहाँ नहीं बनती है। मतलब वो आप लोगों ने ट्रेलर देखा हो तो आपको मालूम होगा कहानी तो बनारस में बेस्ड है, कन्नड़ एक कन्नड़ा फिल्म है, ये अच्छी बात है, कन्नड़ा फिल्म है और टाइम ट्रैवल पे बेस्ड एक फिल्म इन्होंने बना दी है, और कम बजट में बनाई है, बहुत सीमित बजट में बनाई है। मैंने टाइम ट्रैवल वगैरह ये दिखा रहे हो तो आपको ह्यूज बजट चाहिए, तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। अभी भी प्रभास की प्रोजेक्ट की आ रही है टाइम ट्रैवल से रिलेटेड, कितने ह्यूज बजट में बन रही है, हॉलीवुड में बनी है, इसको कम बजट में बनाया। मतलब मैं सच कहूँ तो मतलब जब मैं फिल्म देख रहा था ना, मुझे कहीं ना कहीं वो मिन्नल मुरली की याद आ गई, साउथ की फिल्म थी आप लोगों को मालूम हो, थोड़ी सुपर हीरो टाइप की थी वो, फ्लैश की तरह उसका कैरेक्टर थोड़ा सा उसी टाइप का, बिजली वाला और वो स्पीड वाला है ना, तो उसी पर मिन्नल मुरली की मुझे थोड़ी सी झलक फील हो रही थी, अंदर से फील आ रहा था, ये नहीं कह रहा हूँ कि फिल्म से, मैं वाला फील आ रहा था मुझे, क्योंकि वही बहुत कम बजट में एक बढ़िया सुपर हीरो फिल्म बना दी गई थी, बहुत अच्छी बना दी गई, ये भी एक तरह से कम बजट में टाइम ट्रैवल बना दी गई। जैसा अगर आप लोगों ने वो ट्रेलर में सीन देखा होगा कि सलमान ये टाइम ट्रैवल में पहुंच गया है, तो उन्हें क्या करा कि सलमान खान का वो धूम 4 वाला पोस्टर उसको दिख रहा है कि वो समय में आगे आ गए, तो इस तरह का इन्होंने आर्टिस्टिक तरीके से फिल्म को टाइम ट्रैवल बताया, ताकि आपको वैसा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, आधुनिक हो गया, गाड़ी हवा में उड़ रही, वो सब नहीं, समय में आगे चले गए, धूम 4 आ गई। मतलब इस तरह से चालाकियों से उन्होंने उस चीज़ को कम बजट में बहुत बढ़िया ढंग से पोर्ट्रे किया, तो मज़ा आया। जैद है मेरे ख्याल से कोई न्यू एक्टर है शायद, मैंने तो मैं नहीं जानता उनके बारे में, लेकिन उनका काम मुझे अच्छा लगा है, जो एक्ट्रेस है उनका काम भी मुझे अच्छा लगा है, फिल्म की सिनेमाटोग्राफी अच्छा, डायरेक्शन अच्छा, बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफ़ी बढ़िया। फिल्म थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा बोर कर सकती है कहीं ना कहीं, क्योंकि छोटे बजट की फिल्म है ना, तो आप 110% सब कुछ अच्छा नहीं मान सकते, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छी फिल्म है, मुझे मज़ा।